तो चलिए दोस्तों स्टार्ट हो गया हमारा जो पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हिमालय पार की नदियाँ हैं, यहाँ पे हिमालय की जो पार की जितनी भी नदियाँ हैं उसके नाम पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे ए सतलुज सिंधु गंगा, बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलुज, सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा और डी ब्रह्मपुत्र सतलुज गंगा। तो आपको बताना है कि हिमालय की पार की जितनी भी नदियाँ हैं इसके क्या नाम हो सकते हैं। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप हमको। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि हिमालय के पार की जो नदियां हैं वो ब्रह्मपुत्र सिंधु और सतलज हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे अवरोही क्रम की बात की गई है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन में ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, बी गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा और डी गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी और नर्मदा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर इसके आंसर आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिए। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है वो है ए। देखिए यहाँ पे अवरोही क्रम की बात की गई है, यानी इसका पहले ब्रह्मपुत्र होगा, फिर गंगा गोदावरी और उसके बाद नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की वृहत्तम नदी कौन है। अब यहाँ पे जो वृहत्तम नदी की बात की जा रही है वो ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी महानदी और डी गंगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो है डी गंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये हमेशा इस क्वेश्चन को देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखिए गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो है वो है ए पद्मा। गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, ए पद्मा, बी जमुना, सी मेघना और डी सांगपो। यहाँ पे संयुक्त जलधारा की बात की जा रही है। ठीक है, तो जो इसका राइट होगा सी मेघना नदी को संयुक्त जलधारा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए संयुक्त मतलब होता है जुड़ा हुआ। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां जो थीं, ठीक है, इन दोनों के जो ज्वाइंट से जो जलधारा निकलती है उसको क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत की सबसे अधिक नौग में दो नदियां हैं। अब यहाँ पे ए कावेरी और गोदावरी, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और सिंधु, डी ब्रह्मपुत्र और यमुना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क हेतु है। जो भी नदी है देखिए कह रहा है कि इसमें से सबसे लंबा जो सड़क हेतु है किस नदी पे बनी हुई है। तो ए सोन नदी, बी नर्मदा, सी महानदी और डी गंगा नदी। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सब। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है डी गंगा नदी। गंगा नदी पर जो है वो सबसे लंबा सड़क हेतु है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुंदरवन को डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा ब्रह्मपुत्र और डी नर्मदा। दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर आ रहे होंगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, ताकि जितने भी आपके आंसर सही होंगे इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन क्या चल रही है, आप लोगों के कितने नाम इनके याद हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए आप लोग। डेल्टा की बात की जा रही है, सुंदरवन डेल्टा तो किस पे बनती है। तो यह है सी, ऑप्शन नंबर सी गंगा ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे देखते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है। ठीक है, अब ये कहाँ से निकलती है यहाँ देखिए। ए नेपाल तथा तिब्बत में, बी तिब्बत तथा सिक्किम में, सी उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में और डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो उद्गम स्थल होता है, जो निकलने की स्थल है, ये उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, उत्तराखंड और तिब्बत से। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से नहीं निकलती है, आपको इसमें बताना है। ए कावेरी, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र और डी गंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। तो जी हाँ, बता दें हम आपको कि
इसकी उद्गम जो है यानी भारत से नहीं निकलती है तो यह है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत से नहीं निकलती है। चलिए आगे देखते हैं, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? ए असम, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी मणिपुर। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सी अरुणाचल प्रदेश। आगे देखते हैं, सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की है, यह लंबाई कितनी है? अब यहाँ पे बात की जा रही है कि सिंधु नदी जो है उसकी लंबाई जितनी है उतनी ही कितनी है ब्रह्मपुत्र की भी है। तो यह लंबाई कितनी है आपको बताना होगा। ए 2700 किलोमीटर, बी 2900 किलोमीटर, थ्री 3100 किलोमीटर और डी 3300 किलोमीटर। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है वह है बी 2900 किलोमीटर। ठीक है, जो इसकी लंबाई है वह 2900 किलोमीटर है, किसकी? सिंधु नदी की और ब्रह्मपुत्र की। चलिए आगे देखते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्थित है? ठीक है, उद्गम स्रोत स्थित है जो है यह है ए सिंधु, बी सतलज, सी ब्रह्मपुत्र और डी इनमें से सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी, जो मानसरोवर झील के पास जो नदी का उद्गम स्रोत है, ठीक है, वो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र इनमें से सभी हैं। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो है डी। अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन है? अब यहाँ पे जो देखिए, जो विश्व की बात कीजिए, वर्ल्ड की बात की जा रही है, तो यानी उस जदी नदी है वो माजुली का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? तो यहाँ पे ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी और डी ब्रह्मपुत्र। तो आप इसको राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो यहाँ दोस्तों हम बता रहे हैं आपको कि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, उसका निर्माण करने वाली नदी जो है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। जो राइट आंसर होगा इसका डी होगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ठीक है, दक्षिण से उत्तर यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है वो दिखाइए यहाँ पे। आंसर में देख लिया गया है ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा और डी बेतवा नदी। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है डी बेतवा नदी। बेतवा नदी जो है वो क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, दक्षिण से उत्तर की ओर यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ प्रवाहित होती है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बिहार का शोक कहा जाने वाली जो नदी है उसका क्या नाम है? तो ए गंडक, बी कोसी, सी सोन और डी गंगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो भी बिहार के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता ही होगा कि बिहार का जो शोक है, ठीक है, उसको किस नदी को कहा जाता है। तो आप लोग अगर जिसको नहीं पता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह बी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ठीक है, हिमालय से परे यानी हिमालय से दूर की जो नदी है, यानी यहाँ पे ए गंगा, बी यमुना, सी सतलज और डी रावी नदी। तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो चलिए बता दें आपको, इसका राइट आंसर है सी, सतलज नदी जो है हिमालय से परे की नदी है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो मैं आपको इसी तरह के और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे आपकी कंपटीशन की तैयारी खूब अच्छे से हो सके और एग्ज़ाम जो है आपके अच्छे से कंप्लीट हो पाएँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कम समय बचा है। कभी भी आपका एग्ज़ाम जो है NTPC का और ग्रुप डी का करवाया जा सकता है। मे भी ये जो भी आपको समय मिला है, एक महीना, डेढ़ महीना, जो भी है 30-40 दिन के बीच में ही अगर देखा जाए तो सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो डेट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस पे काम चल रहा है, तो मे भी जब भी इसकी नोटिफिकेशन आ सकता है। चलिए ठीक है, आप देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।